गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो हम लोग मेटल और मेटल वाला चैप्टर कर रहे थे जब लास्ट टाइम, तो हमने बीच में छोड़ दिया था बिकॉज हमें कंफ्यूजन था कि सिलेबस में से कट हो चुका है या नहीं। तो जो मेटल और मेटल वाला चैप्टर है, इसका लास्ट टॉपिक कट हुआ है जो है अक्रेंस ऑफ मेटल। तो उससे पहले हमारा पेज नंबर 46 तक सब कवर हो गया था, क्वेश्चन आंसर्स तक हमने कर लिया था। अभी हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो मेटल होती हैं, नॉन मेटल होती हैं, वो कैसी, आप लोगों ने जान लिया था कि मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, कौन सी चीज़ों को मेटल बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं, मेटलोइड क्या होता है। तो अभी इनकी कॉन्फिग्रेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो है हमारे पास वो है नोबल गैसेस। 9th क्लास में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम सुना होगा। ऐसे सेल्स होती हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, एन सेल है। ये चारों आपके पास क्या है, सेल्स हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिवीजन किया होता है कि फर्स्ट सेल में 2 ही आएंगे, सेकंड में 8 आएंगे, नेक्स्ट में 8 आएंगे, उससे नेक्स्ट में फिर 8 आएंगे, ऐसे। तो जो फर्स्ट सेल है, के सेल, उसमें 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। ऐसे ही जो एल थी, एम है, एन है, उनमें 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। अब देखिए, एटॉमिक नंबर से आपको क्लियर हो जाएगा, ये नोबल गैसेस हैं। कुछ नोबल गैसेस की कॉन्फिग्रेशन पूरी होती है, यानी कि वो या तो पूरी की पूरी फुल फिल्ड होती है, यानी कि फुली फिल्ड, एक सेल में जितने इलेक्ट्रॉन आने हैं उतने कंप्लीट हो जाते हैं, नेक्स्ट में एंटर नहीं करते। जैसे यहाँ पे 2 आ सकते हैं तो 2 कंप्लीट, यहाँ पे 2 आ सकते हैं, नेक्स्ट में 8 आ सकते थे। 10 है हमारे पास नियोन का एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे 10 के 10 कंप्लीट है। आर्गन का देखिए, नेक्स्ट 18 को 2 8 8, यहाँ पे भी फुली फिल्ड है, यानी कि सेल क्या रहेंगी, फुली फिल्ड रहेंगी, फुली फिल्ड। नेक्स्ट देखिए, जो मेटल्स का केस है, मेटल्स के केस में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके एटॉमिक नंबर देखिए, 11, 12, 13, 19, 20, ये हैं। तो देखिए, जब इसका 11 है, फर्स्ट में 2 जाएगा, नेक्स्ट में 8, उससे नेक्स्ट में क्या बचा, 1। ऐसे ही मैग्नीशियम के केस में नेक्स्ट में क्या बचा, 2। एल्युमिनियम के केस में 3, उससे नेक्स्ट जाते हैं अगर 19 है, 2 8 8 1, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैल्शियम के केस में यहाँ पे 2 बच गया है, ये एटॉमिक नंबर गिवन है आपको। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन को हमने लिख लिया है इस फॉर्म में, 2 8 8 की फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसको। जो बच गया वो नेक्स्ट में चला गया, कुछ भी बचता है वो भी 8 की फॉर्म में। किसी भी सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, सिर्फ फर्स्ट सेल जो है हमारे पास, वहां पे 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मैंने बोला आपको कि आप 9th में कर चुके हो मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैसेस, सबकी कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस जो हैं वो फुली फिल्ड कैटेगरी में रहती हैं, यानी कि उनका लास्ट सेल क्या है, फुली फिल्ड होगा। लेकिन जो हमारे पास बात आती है मेटल की, उनकी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ बचा होगा, ये जो है क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट देखिए, जो नॉन मेटल का केस है, उनमें जो लास्ट सेल है ना, वो फिल होने से थोड़ी सी कम होती है। जैसे ये देखिए 5 6 7, इसको किसकी कमी है, इसको नंबर 1, यानी कि यहाँ पे देखिए 8 कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए और यहाँ पे 3 चाहिए। तो इस तरीके से नॉन मेटल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है कि इनको अगर फुली फिल्ड करना है तो हम कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तब जाके ये क्या हो जाएंगी, फुली फिल्ड हो जाएंगी। तो ये नॉन मेटल का केस था। अभी हम बात करेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि मेटल जो हैं उनकी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव आयंस। मेटल क्या करती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं और पॉजिटिव आयन बना देती हैं। सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। और इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं।
एग्जाम्पल गिवन है, एटॉमिक नंबर है सोडियम का 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, फर्स्ट सेल में 2 आएंगे, के में एल एम ऐसे लिख लेते हैं, 2 8 देन 1, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और क्या बन जाएगा, एन ए पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे छोड़ देगा वो। ओके, यानी इसने क्या क्या बना लिया, सोडियम कटायन बना दिया। ऐसे ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, 12 को कैसे डिवाइड करेंगे, 2 8 10 बन गया हमारे पास और 2, यानी कि 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 को लूज कर सकता है। देखिए मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, यहाँ पे मैग्नीशियम ने भी 2 पॉजिटिव आयन बना दिया, प्लस वाला इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी कुछ ना कुछ लॉस करता है ये क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ओके, नेक्स्ट देखिए नॉन मेटल के केस में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बिकम नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयन बना देते हैं, यानी कि यहाँ पे जैसे प्लस साइन आ रहा था ना ऊपर, दोनों के ऊपर, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे क्लोरीन का एग्जांपल लिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 17 है क्लोरीन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 एंड 7, यानी कि 8 होने में एक की कमी है, तब जाके ये स्टेबल होगा ना। जैसे यहाँ पे स्टेबल होने के लिए इसने लूज कर दिया अपना एक, और यहाँ पे इसने 2 लूज कर दिए, यहाँ पे 2 8 कंप्लीट होगी ना, इसकी जो ऑक्टेट है कंप्लीट हो गया, लास्ट वाले ऑक्टेट में 8 हो गए, यहाँ 8 करने के लिए इसको एक की जरूरत है, अगर कोई इसको एक दे दे तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जैसे क्लोरीन के केस में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब ये 7 लूज थोड़ी ना करेगा। अब मान लो हमारे पास कोई ऐसी चीज है कि मान लो मेरे को वो 8 चाहिए, मेरे पास 7 है और किसी के पास वो 8 पड़ी, सॉरी 1 पड़ी है, अब मैं उसको अपनी 7 थोड़ी ना देने वाली हूँ, मेरे पास ज्यादा है ना, तो इससे अच्छा है वो मेरे को 1 दे दे ताकि मेरी जरूरत पूरी हो जाए। ओके, तो इस तरीके से ही काम होता है इनके अंदर, इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा, यानी कि क्या बन जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 8 बन जाएगी अगर वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा। तो देखिए क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू क्लोरीन नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, क्लोरीन का अनायन बन गया है, अनायन तब बोलेंगे जब नेगेटिव साइन ऊपर है और कटायन तब बोलेंगे जब पॉजिटिव साइन ऊपर है। तो मेटल्स क्या बना रही थी, कटायन बना रही थी, क्योंकि पॉजिटिव साइन ऊपर आ रहा था, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही थी, लेकिन जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है और नेगेटिव साइन ऊपर आ रहा है, तो इन्हें क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोल रहे हैं। तो इस तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए ये आयंस कैसे बना रहा है, अभी हमने सोडियम को देखा कि सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 2 8 1 है। अगर सोडियम के पास जो ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको ये लूज कर दे, देखो इसने यहाँ पे इसको लूज कर दिया, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी बन गई है, 2 8, यानी ये स्टेबल हो गया है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गई है। ऐसे ही जो क्लोरीन है अगर वो ये वाला इलेक्ट्रॉन ले ले, उसके पास देखो पहले कितना था, 17 था उसका एटॉमिक नंबर, अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 कंप्लीट हो जाएगी, सोडियम अनायन बन जाएगा। अभी मैंने आपको कटायन अनायन की बात बताई थी, मेटल्स क्या बनाती हैं, कटायन और नॉन मेटल अनायन। अब देखिए ये जो दोनों चीजें हमारे पास आई हैं सोडियम के ऊपर, देखिए जो एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना उसको इस डॉट से शो करते हैं, ये डॉट लगा देते हैं, एनए के ऊपर एक डॉट क्यों लगाई है, क्योंकि 2 8 1 ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, वैलेंस है, इस वजह से 1 डॉट लगाई है, और यहाँ पे क्लोरीन को 1 की जरूरत है। ओके, देखिए यहाँ पे क्लोरीन के 7 कंप्लीट है, हमें 8 देना है, इस वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन आके यहाँ बैठ जाएगा, इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये दोनों आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एन ए पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव, तो ये क्या बना देगा हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड ये कैसे बनेगा, मैग्नीशियम का भी हम रोल कर चुके हैं, 12 एटॉमिक नंबर है, तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है तो क्लोरीन नेगेटिव बन जाता है, तो यहाँ पे अगर 2 क्लोरीन इसका एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले, मैग्नीशियम के एक एक इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन ले लेते हैं, यानी कि 2 क्लोरीन उसके साथ जुड़ जाए तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्रोसीजर हमारे पास, Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव 2 टाइम्स है, इस वजह से यहाँ पे 2 आ गया है।
इस तरीके से क्लियर हो गया कि कैसे हमारे पास आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट है, हाउ आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कैसे बने हैं। अभी हम कर चुके हैं, ये एक फिगर के तौर से दिखा दिया है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, वो आकर के यहाँ बैठ गया, यहाँ पे 8 कंप्लीट हो गए, अदरवाइज यहाँ 7 थे, यहाँ पे क्या था, 1 था। इन्होंने क्या किया, आपस में बॉन्डिंग कर ली, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और आयनिक बॉन्ड बना दिया है, आयनिक कंपाउंड बन गया है, Na पॉजिटिव हो गया है और Cl नेगेटिव हो गया है। ओके, तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आयनिक कंपाउंड की या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या होंगे ये। ये फॉर्म होते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल। ये कैसे बनते हैं, जब कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देती है, नॉन मेटल को दे देती है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देती है नॉन मेटल को, उस टाइम क्या बोलेंगे हम, कौन सा कंपाउंड बना है, आयनिक कंपाउंड बने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास आयनिक कंपाउंड की। दे आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेड अप ऑफ आयंस। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है और किस चीज से बना होता है, आयन से, जैसे हमने किया था अभी, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ओके, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और ये सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर एंड इन सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन पेट्रोल वगैरह। यानी कि वाटर के अंदर तो ये घुल जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास इन कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये नहीं घुलेगा, जैसे पेट्रोल है केरोसिन है। ओके, लास्ट हमारे पास आता है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे। ओके, यानी कि मोल्टन स्टेट में होंगे या फिर सॉल्यूशन के तौर पे होंगे, सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास मेटल नॉन मेटल का आयनिक कंपाउंड वाला टॉपिक कवर हो गया है। मतलब मेटल नॉन मेटल कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं, फिर वो क्या बनाती हैं, आयनिक कंपाउंड बनाती हैं, और आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ तक हमें करना है, इसके बाद वाला हमारे सिलेबस में नहीं है।